हेलो फ्रेंड्स, प्रियंका कुकिंग सीक्रेट में आपका स्वागत है। वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा। विटामिन सी से भरपूर आंवले, आज हम आंवले का मुखवास बना रहे हैं। आप जानते ही हो कि एक आंवले में 20 ऑरेंज जितना विटामिन सी होता है, तो पूरे साल के लिए आज हम मुखवास बनाएंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। 500 ग्राम आंवले में आधा ग्लास पानी, एक चम्मच मैंने नमक डालकर आधी सीटी तक मैंने उबाल लिया है। इसको आप छन्नी में भी उबाल सकते हो, इस तरह से गल जाए उतना हमें उबालना है। अब इसको मैं छान लूँगी। इसको 5 मिनट तक छन्नी में ही रखना है, क्योंकि इसका पानी सारा चला जाए छन्नी से और थोड़ा सा ठंडा हो, तब तक हमें छन्नी में इस तरह से ही रख देने हैं। ठंडा होने के बाद आंवले को इस तरह से कट कर लेना है, हमें बिना छुरी से ही इस तरह से कट कर लेना है। देखो, इस तरह से छोटे छोटे टुकड़े में हाथों से ही कट हो रहे हैं, अलग हो रहे हैं आपो आप। अब इसको मैं एक थाली में इस तरह से सारा पार्ट सेपरेट कर लूँगी। मैं एक टुकड़े में से दो पार्ट कर रही हूँ। आप चाहो तो ऐसे ही रख सकते हो या फिर उससे भी छोटे टुकड़े कर सकते हो। आपको जिस तरह से मुखवास खाना पसंद हो उतना बड़ा या छोटा टुकड़ा कर सकते हो। अब मैं 2 टीस्पून जितना ब्लैक सॉल्ट डाल दूँगी। यहाँ मैंने नमक ऑलरेडी डाला है, इसलिए आप ध्यान से डालना। अब यहाँ 1 टीस्पून जितना मैं ब्लैक पेपर पाउडर डाल दूँगी। आप यहाँ चाहो तो साथ में भुना हुआ जीरा चाट मसाला का भी यूज़ कर सकते हो। इन सबको अच्छे से मिला लूँगी। इन सबको अब मैं इस तरह से अलग अलग थाली में बिछा दूँगी, क्योंकि हमें सुखाना है। आप चाहो तो एक कपड़े में सुखा सकते हो। 2 दिन तक धूप में हमें सुखाना है। इसकी खट्टी मीठी बहुत ही अच्छी वाली कैंडी बनके रेडी हो जाएगी। देखो, ये सूखकर रेडी हो गई है। उसका कलर भी थोड़ा डार्क हो गया है। एक तोड़कर मैं दिखाती हूँ। बिल्कुल हार्ड नहीं, देखो इतने अच्छे सॉफ्ट, खाने में भी अच्छे लगे वैसे आंवले बनके रेडी हो गए हैं। 2 दिन से ज़्यादा ना सुखाइए, वरना ये ज़्यादा कड़क हो जाएगी, खाने में अच्छे नहीं लगेंगे। और अब इसको एयरटाइट कंटेनर में पूरे साल के लिए रख सकते हो और खा सकते हो। एंजॉय करिए। ऐसी नई नई रेसिपी देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।